आप सभी का वेलकम है। एक खास प्रोग्राम आज करेंगे। जसमीत भाटिया जी हमारे साथ मौजूद हैं। जसमीत जी लैंडमार्क इमिग्रेशन के चीफ हैं और लंबे वक्त से देश के स्टूडेंट्स को एडवाइस कर रहे हैं। आज एक बड़ा खास टॉपिक है जिस पे हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं कहूँगा कि स्टूडेंट्स तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हर रोज़ सुबह 8 बजे जसमीत जी का एक खास वीडियो हम लोग अपलोड करते हैं जिससे स्टूडेंट्स को बिल्कुल ताज़ा इन्फॉर्मेशन उन्हें हासिल होती है। कोई कन्फ्यूज़न की स्थिति में आप 9041390412 पे संपर्क कर सकते हैं। आज का हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है कनाडा के टॉप ट्रेंडिंग कोर्सेस। कई ऐसे कोर्सेस हैं कनाडा में जिनकी काफ़ी ज़्यादा डिमांड है और अगर हमारे स्टूडेंट्स उन कोर्सेज को अडॉप्ट करें तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं उनको सक्सेस रेट ज़्यादा मिल सकता है और फ्यूचर में उनके लिए कनाडा में अपना करियर डेवलप करने में काफ़ी बड़ी उनको मदद मिल सकती है। जसमीत जी वेलकम। हेलो एवरीवन। जसमीत जी कौन कौन से कोर्सेज हैं और बेनिफिट क्या है? और मुझे पता लगा है कि काफ़ी ज़्यादा वेटिंग इन कोर्सेज में रहती है। सर, इस चीज़ को लेकर 2 बातें हैं। एक तो कौन से कोर्सेज जो स्टूडेंट हाई डिमांड पे रखते हैं, मतलब स्टूडेंट कौन से कोर्सेज मांगते हैं, और दूसरे एक कौन से कोर्सेज वहाँ पे स्टूडेंट को जाके करना ही चाहिए। सो दोनों ही डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड्स। तो सबसे ज़्यादा जो डिमांड में कोर्सेज रहते हैं उसमें कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सबसे ज़्यादा हाई डिमांड में रहता है। प्लस टू नॉन मेडिकल स्टूडेंट जो पास आउट होता है वो कंप्यूटर प्रोग्रामिंग कोर्स करना चाहता है। कंप्यूटर सिस्टम टेक्नीशियन एक बहुत हाई डिमांड का कोर्स है जो स्टूडेंट करना चाहता है। उसके बाद अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन, क्योंकि आर्ट्स वाले भी कर सकते हैं और मेडिकल वाले भी कर सकते हैं। सो सबसे पहले ये कोर्स क्लोज होता है अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन इन गवर्नमेंट कॉलेजेस। मैं प्राइवेट कॉलेजेस की बात नहीं कर रहा। प्रैक्टिकल नर्सिंग, प्रैक्टिकल नर्सिंग ऐसा कोर्स है जिसमें इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ 10-15% सीट्स ही होती हैं और सिर्फ वो ही स्टूडेंट करने जा सकते हैं जिनकी 80% से ऊपर परसेंटेज है। मैथ्स और बायोलॉजी दोनों पढ़े हैं और 7 बैंड्स हैं। सो प्रैक्टिकल नर्सिंग सबसे ज़्यादा हाई डिमांड में रहता है। फार्मेसी टेक्नीशियन सेम, ये भी फार्मेसी टेक्नीशियन मेडिकल स्टूडेंट प्लस मैथ्स चाहिए ही चाहिए ये कोर्स करने के लिए। केमिकल लेबॉरटरी टेक्नीशियन ये भी बहुत हाई डिमांड में रहता है और बहुत जल्दी क्लोज होता है, बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड है कनाडा में। बायोटेक्नोलॉजी, सो काफ़ी सारे कॉलेजेस हैं जो मैथ्स के बिना, मैथ्स और बायोलॉजी के बिना ये बायोटेक्नोलॉजी में एंट्री नहीं देते। वेयर एज लॉयलिस्ट कॉलेज विदाउट मैथ्स बायोटेक्नोलॉजी में आपको एडमिशन दे देगा। इसके बाद हम बात करते हैं, ये तो रहे कुछ अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज फॉर नॉन मेडिकल एंड मेडिकल। फिर आ जाता है हॉस्पिटैलिटी के कोर्सेज भी बहुत जल्दी ख़त्म हो जाते हैं जो प्लस टू आर्ट्स वाले बच्चे करते हैं। हॉस्पिटैलिटी सबसे हाई डिमांड में रहता है क्योंकि कनाडा एक टूरिज्म जगह है और वहाँ पे हॉस्पिटैलिटी के कोर्सेज सबसे ज़्यादा हाई डिमांड में रहते हैं। कलनरी मैनेजमेंट जो कि शेफ़ का कोर्स है बहुत ज़्यादा हाई डिमांड में रहता है। सोशल सर्विस वर्कर डिप्लोमा ये भी बहुत हाई डिमांड में रहता है ये कोर्स। इसके अलावा बात करते हैं पोस्ट ग्रेजुएट कुछ कोर्सेज की जो बहुत डिमांड में रहते हैं। सबसे नंबर वन मैं कहूँगा प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। तो आज की डेट में अगर आप जनवरी इनटेक में मेरे से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट मांगेंगे तो मेरे को लगता है मैं 1-2 ऑप्शंस ही दे पाऊँगा आपको, इससे ज़्यादा ऑप्शंस नहीं दे पाऊँगा। इंटरनेशनल बिजनेस मैनेजमेंट, ग्लोबल बिजनेस मैनेजमेंट, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा इन मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट। सो जो ये सारे प्रोग्राम्स हैं बहुत हाई डिमांड में रहते हैं और इनमें अगर बात करें तो सीट सबसे ज़्यादा पहले फिल होती है। इसके अलावा कुछ फूड टेक्नोलॉजी के कोर्सेज हैं जो कि हमेशा ही वेट लिस्टेड रहते हैं। काफ़ी सारे बच्चे हैं जो फूड बायोटेक्नोलॉजी के बाद भी फूड टेक्नोलॉजी में आगे काम करना चाहते हैं, फूड में काम करना चाहते हैं, बट उनके लिए ये कोर्सेज बहुत जल्दी अवेलेबल नहीं होते। क्वालिटी इंजीनियरिंग के भी कोर्सेज बहुत जल्दी क्लोज हो जाते हैं। एनवायरमेंटल टेक्नीशियन दोनों ही लेवल्स पे,
प्लस टू लेवल पे और क्या कहते हैं पोस्ट ग्रेजुएट लेवल पे बहुत जल्दी ख़त्म होते हैं एनवायरमेंटल टेक्नीशियन के कोर्सेज़। सो ये वो सारे कोर्सेज हैं जो स्टूडेंट की तरफ से भी हाई डिमांड में है और टॉप ट्रेंडिंग भी हैं क्योंकि इनकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। हेल्थ, आईटी, इंजीनियरिंग, इंजीनियरिंग का कोई भी कोर्स आप करोगे उसकी डिमांड कनाडा में बहुत ज़्यादा है, स्पेशली माइनिंग इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग, कंस्ट्रक्शन इंजीनियरिंग बहुत ज़्यादा हाई डिमांड पे हैं, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग। सो ये सारे ही कोर्सेज अगर बात करें तो बहुत हाई डिमांड पे रहते हैं। सो स्टूडेंट्स अभी जनवरी इनटेक में काफ़ी सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, आप मेरे से मिल सकते हैं। हमारे सेमिनार होने जा रहे हैं बठिंडा में या पटियाला में, बठिंडा में 16 जुलाई को और पटियाला में 17 जुलाई को आप इन सेमिनार का हिस्सा बन सकते हैं। बठिंडा में होटल कम्फर्ट इन और पटियाला में होटल मोहन कॉन्टिनेंटल में आप आके हमसे मिल सकते हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन हमारे साथ शेयर की है जसमीत भाटिया जी ने। सो कई अच्छे अच्छे कोर्सेज जसमीत जी ने हमें बताए हैं और हाई डिमांड कोर्सेज इनको हम कह सकते हैं। फिर भी कोई कंफ्यूजन है किसी स्टूडेंट को तो वो 9041390412 पे कॉल करके जसमीत जी से बात कर सकते हैं, पर्सनली इनको अपॉइंटमेंट बना सकते हैं इनके साथ और ऑनलाइन जसमीत जी से आप बातचीत कर सकते हैं। आप देश के किसी भी हिस्से में हैं आप लैंडमार्क इमिग्रेशन से ऑनलाइन एडवाइस ले सकते हैं। थैंक यू सो मच जसमीत जी। थैंक यू सो मच।